हेलो गाइस, मैं आई हूँ अभी जाफराबाद में। और यहाँ मैंने सुना है कि बिरयानी बहुत सालों से बहुत पुराना बिरयानी का शॉप है, तो मैंने सोचा चलो तो आपको क्यों ना दिखाऊँ, बताऊँ। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे अगर मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बताते रहूँगी और आपको सिर्फ मेरा वीडियो देख के आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, इसी तरह से अपने आप को चलिए आइए देखते हैं ये बिरयानी किस तरह से बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं। और मैं इस वक्त आई हूँ, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और लोग बिरयानी लेने के लिए काफ़ी भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। सभी लोग छोटे बच्चे बड़े सब बिरयानी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे उड़द चावल है, नॉर्मल मटर चावल है और चिकन बिरयानी है। आइए देखते हैं कैसे किस रेट से कैसा मिल रहा है और कहाँ पर मिल रहा है, ये देखते हैं और आपको बता देती हूँ। तो फिर आप अगर आपको रेट बिल्कुल रिजनेबल यहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए बिरयानी शॉप के बिरयानी के दुकान है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आई हूँ इसी शॉप के पास, तो चलिए ये देखते हैं बिरयानी का यहाँ पे कैसे बन रहा है। ये देखिए ये पूरा ये दुकान है, ये दुकान भी बहुत अच्छा से बना रखा, काफी अच्छा सेटअप है। तो आइए अब दिखाते हैं। वालेकुम सलाम। हमारे पास उड़द चावल है, बिजनौर वालों का मशहूर उड़द चावल, चिकन बिरयानी, मटर पुलाव, तायरी, सबसे स्पेशल क्या रहा है पास? ये सभी स्पेशल है, कुछ भी ले सकते हो। कैसे किस रेट से ले रहा है? चिकन बिरयानी 120, मटर पुलाव 80 रुपये और उड़द चावल वो भी प्लेट के हिसाब है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये प्लेट। ये अभी इस वक्त तो ख़त्म है, बस थोड़ा सा बच रहा है। ये उड़द गोश्त है, उड़द गोश्त है, इसके ये चावल भी ख़त्म हो चुका है आपको इस वक्त, आप थोड़ा लेट हो गई। ये मटर पुलाव है, हाँ मटर पुलाव, हाँ बिरयानी भी ख़त्म हो गई है इस वक्त। हाँ जी टाइम लेगा, अभी 10 मिनट बनेगा। बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया लगे टेस्ट। मैं खा रहा हूँ 2-3 महीने हो गए, टेस्ट बहुत बढ़िया है। क्या जी? यहाँ बिरयानी है, मटर पुलाव है, तहरी है, ये सब उड़द चावल है, टेस्ट सब चीज बढ़िया है। आप बिरयानी खाने के लिए आए हो? अच्छा, ये देखिए सब वेट कर रहे हैं बिरयानी के लिए। यहाँ पे पकड़ा ना, हाँ यहाँ जी जी चटनी रायता दही का, ये मटर है, चावल है, चटनी रायता, दही, दही दाल, चटनी में मसाले डालते हैं, दही में रायता, उसका हिसाब से मसाला बनता है उसका रायता। नमस्कार जी, ये मैं इस टाइम मटर पुलाव खा रही हूँ जी। जब ये मैं तकरीबन 1-1.5 महीने से कंटिन्यू हूँ जी, बहुत टेस्टी होता है जी। बिल्कुल, मैं अभी भी लेने के लिए आया हूँ जी। ये मटर पुलाव है जी, बिल्कुल, चटनी, सलाद, रायता। थैंक यू। कितना देर लगेगा आने में? नहीं बस बहुत है, हमने कई जगह खाना।
ये नाम अभी निकाल दूंगी मैं, निकाल के दिखा दूंगी। ये देखिए मैंने चावल लिया है, मतलब ये मटर पुलाव है और साथ में ये उड़द की दाल है, तो मुझे देख के अच्छा लग रहा है बिल्कुल, और इसकी खुशबू भी ठीक है और दाल काफ़ी ठीक है वैसे, और बिल्कुल भुटा हुआ, तो मैं इसको खा के देखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा टेस्ट है। बस बहुत ज़्यादा मिर्च नॉर्मल है, नमक भी नॉर्मल है, और इसमें गरम मसाला डाल दिया हुआ है, तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो ये 30 रुपीज़ का है, मतलब उड़द चावल देके, तो मेरा मतलब जो लोग कम खाते होंगे तो उसके हिसाब से पेट भर जाएगा। 30 रुपये में अगर पेट भर के चावल और दाल मिल रहा है तो बहुत सस्ता मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको जब भी खाने का मन करे ये होटल में खाने के लिए, टेस्ट भी अच्छा है और रेट भी बहुत रिजनेबल है, तो मेरे हिसाब से कुल मिला के बहुत ही अच्छा है। तो मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ इसी के साथ, और अगर मेरी वीडियो देख के अच्छा लगे आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बहन को सपोर्ट कीजिएगा, यही प्यार बनाए रखिएगा। अपना बाय बाय।